हास्टल कंप्यूटर साइंस आज आप सीखेंगे टाइप्स ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? द एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड अपॉन द पर्पज। दे आर पर्पज के आधार पर अथवा उद्देश्य के आधार पर एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को निम्नलिखित कैटेगरी में बांट दिया गया है। फर्स्ट है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL स्टेटमेंट्स। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज को शॉर्ट में DDL के नाम से जानते हैं। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML। ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, सेशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, सिस्टम कंट्रोल स्टेटमेंट, एम्बेडेड SQL स्टेटमेंट। ये छह कैटेगरी है SQL स्टेटमेंट्स की। आउट ऑफ दीज सिक्स वी विल बी स्टडिंग ओनली द फर्स्ट टू टाइप्स इन दिस कोर्स। कक्षा 12 कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में केवल दो ही प्रकार की SQL स्टेटमेंट्स हैं और वो हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिनको कि आप DDL बोलते हो, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL और डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज DDL इज अ स्टैंडर्ड फॉर कमांड्स दैट डिफाइंस द डिफरेंट स्ट्रक्चर इन द डेटाबेस। DDL स्टेटमेंट्स आर यूज टू क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल एंड रिमूव द एग्जिस्टिंग टेबल। Some of the DDL statements are create table, alter table and drop table. DDL statements वो statements होती हैं जिनकी सहायता से table को create किया जाता है, table के structure में modify किया जाता है और table को delete किया जा सकता है। और ये commands हैं create table command, alter table and drop table। ये तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं DDL के अंतर्गत आते हैं। दूसरी कैटेगरी है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, शॉर्ट में इसको DML बोलते हैं। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML स्टेटमेंट्स आर यूज टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा इन एग्जिस्टिंग टेबल्स। द मैनिपुलेशन इंक्लूड्स इंसर्टिंग डेटा इनटू टेबल्स, डिलीटिंग डाटा फ्रॉम द टेबल्स, retrieving data and modifying the existing data. The common DML statements are select, update, delete and insert. DML statement की सहायता से किसी table के अंदर जो data को insert किया जाना है उससे संबंधित commands होती हैं। जैसे कि DML statements के कुछ उदाहरण हैं select, इससे आप किसी टेबल के अंदर दिए गए या फिल किए गए डेटा को सिलेक्ट करके उसको आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। अपडेट के द्वारा आप टेबल के डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। डेटा टाइप्स, ईच वैल्यू मैनिपुलेटेड बाय एसक्यूएल डेटाबेस हैज अ डेटा टाइप। द डेटा टाइप ऑफ वैल्यू एसोसिएटेड अ फिक्स्ड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज विद द वैल्यू। In SQL, there are three main data type: character, number, and date type. SQL के अंदर तीन प्रकार के data type होते हैं। Data type से मतलब उनके type से होता है कि वो किस तरह की value को hold करते हैं। मुख्यतः SQL में तीन प्रकार के data type होते हैं, जैसे कि character, नंबर एंड डेट टाइप्स। अब हम कैरेक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है? कैरेक्टर डेटा टाइप स्टोर कैरेक्टर अल्फान्यूमेरिक डेटा विच आर वर्ड्स एंड फी फ्रॉम टेक्स्ट। दे आर लेस रेस्ट्रिक्टिव देन अदर डेटा टाइप्स and consequently have fewer properties. For example, character columns can store
all alphanumeric values, but number columns can store only number values. Character data types are, कैरेक्टर डेटा टाइप्स अल्फा न्यूमेरिक को स्टोर कर सकता है और ये टेक्स्ट की तरह ट्रीट होता है और इसमें फ्रीडम है कि आप इसमें अल्फाबेट्स, नंबर्स और कोई भी सिंबल को स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप्स की तीन टाइप्स होती हैं। पहला है कैर, वेर कैर, वेर कैर टू। कैर, कैर should be used for storing fixed length character strings. String values will be space or blank padded. The adding of meaningless data, usually blanks, to a unit of data to bring it up to some fixed size before they are stored on the disk. If this type is used to store variables length strings, it will waste a lot of disk space. Always allocate fixed memory. If we declare data type a char, then it will occupy space for null values. Format char n, fixed length character string having maximum length n. इस प्रकार से char जो है एक fixed length character है जिसमें जितने character की वैल्यू आप इसमें डिक्लेयर करेंगे उतने कैरेक्टर के लिए ये स्पेस को रिजर्व कर लेगा, जिससे कि मेमोरी का वेस्ट भी हो सकता है अगर उसको यूज ना किया जाए तो। वर्कर, वर्कर इज अ वेरिएबल कैरेक्टर स्ट्रिंग। इफ वी डिक्लेयर डेटा टाइप एज वर्कर, देन इट विल ऑक्युपाई स्पेस फॉर नल वैल्यूज। It can have maximum of 200 characters. Format varchar n. तो varchar n एक variable character है और ये null के लिए space को occupy करता है और इसकी जो maximum length है वो 2000 characters की होती है। Varchar 2 used to store variable length character strings. The string value length will be stored on disk with the value itself. Varchar 2 can store up to 4000 bytes of character. Thus, the difference between Varchar and Varchar 2 is that Varchar is ANSI standard but takes up space for variables, whereas the Varchar 2 is used only in Oracle but makes more efficient use of space. Varchar और Varchar 2 में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि जो Varchar है वो ANSI स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, जबकि Varchar 2 Oracle के लिए यूज किया जाता है और इसका फॉर्मेट होता है Varchar 2 n. एग्जाम्पल, char 10 has fixed length, write padded with spaces. Varchar 10 has fixed length, write padded with null. तो char और varchar में इतना ही डिफरेंस है कि char में जो write padded है वो स्पेस के द्वारा फिल होता है, varchar में जो write pad है वो null के द्वारा पैडिंग होती है, उसमें नल वैल्यू फिल हो जाती है। Varchar 2 में हैज वेरिएबल लेंथ और इसकी जो लेंथ होती है वेरिएबल होती है। नेम char 10, सपोज इफ वी स्टोर नेम इज एज रवि, देन फर्स्ट फोर स्पेसेस ऑफ द 10 कैरेक्टर्स आर फिल्ड विद रवि एंड द रिमेनिंग 6 स्पेसेस are also allocated to name. Thus, the size of name is always 10. तो character जो char data type है उसमें 4 character तो रवि के लिए use हो गए, जो बचे हुए 6 character है उसमें space assign हो गया है,
स्पेस फिल हो गया है। इस प्रकार से जो नेम नेम है उसमें 4 कैरेक्टर्स और 6 स्पेस असाइन होते हैं। द साइज ऑफ नेम इज ऑलवेज 10। इस प्रकार से जो नेम की जो साइज होगी, हर नेम की साइज फाइनली 10 ही होगी और 10 के लिए मेमोरी स्पेस को रिजर्व करेगा। दूसरा डेटा टाइप जो वेयर कैर 10 है, सपोज इफ वी स्टोर नेम एज रवि, देन फर्स्ट 4 स्पेस ऑफ द 10 कैरेक्टर्स ऑफ फिल्ड विथ रवि एंड द रिमेनिंग 6 स्पेसेस आर फिल्ड विथ नल। 6 कैरेक्टर्स जो हैं वो नल होंगे, इसलिए मेमोरी स्पेस उसमें बच जाएगा, उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगी। इसके बाद है नेम वेयर कैर 210। सपोज इफ वी स्टोर नेम एज रवि, then only first 4 spaces are filled with Ravi. The following table gives possible string data type used in different DBMS. इस प्रकार से जो best data type है memory save करने के लिए वो है varchar 2। देखिए data type string fixed, string variable, access not allowed, access text less than 256 memo 65k plus 1 SQL server char varchar oracle char varchar varchar 2 MySQL char varchar PostgreSQL char varchar। इस प्रकार आप देखते हो कि जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है और स्ट्रिंग वेरिएबल डेटा टाइप है, एक्सेस जो है नॉट अलाउड है, फिक्स्ड लेंथ को एक्सेस सपोर्ट नहीं करता है और वेरिएबल के लिए 256 टेक्स्ट के लिए और मेमो के लिए 65k प्लस 1 को सपोर्ट करता है। एसक्यूएल सर्वर कैर और वर्कर को सपोर्ट करता है और एक्ल कैर वर्कर और वर्कर 2 को सपोर्ट करता है। MySQL कैर और वर्कर और PostgreSQL कैर और वर्कर को सपोर्ट करता है। न्यूमेरिक डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स आर मेनली यूज्ड टू स्टोर नंबर with or without fractional part। The numeric data types are, जो numeric data type हैं उनकी 3 category हैं। पहला है number, दूसरा है decimal और तीसरा है numeric। Number, decimal and numeric। Fourth है int, float। तभी मैं नंबर डेटा टाइप के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। नंबर, द नंबर डेटा टाइप स्टोर्स फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। द नंबर डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर इंटीजर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्लोटिंग ऑफ अप टू 38 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन। द फॉलोइंग नंबर कैन बी स्टोर्ड इन अ नंबर डेटा टाइप कॉलम। Positive numbers in the range 1 into 10 to power minus 130 to 9.99 into 10 to power 125 with up to 38 significant digits. Negative numbers from minus 1 into 10 to power minus 130, 9.99 into 10 to power 125 with up to 38 significant digits and 0. Format नंबर को आप कैसे यूज करेंगे नंबर डेटा टाइप को, तो इसमें होता है नंबर पी कॉमा एस, वेयर पी, वहाँ पी का मतलब क्या है, पी इज द प्रिसीजन और द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डेसिमल डिजिट्स, वेयर द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज द लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट एंड द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज द राइट मोस्ट नॉन डिजिट। एस इज द स्केल और द नंबर ऑफ डिजिट्स from the decimal point to the least significant digit. Decimal and numeric. Decimal and numeric data types have fixed precision and scale. Format, decimal p, s and number p, s. Square bracket are option where p is the precision or the total number
of significant decimal digits where the most significant digit is the leftmost non-zero digit and the least significant digit is the rightmost known digit. S is the scale of the numeric of digits from the decimal point to the least significant digit. Int, integer. The int data type is the integer data type in SQL. This used to store integer number without any fractional part. जो integer data type होता है उसमें आप fractional part को store नहीं कर सकते हो. Float. This data type used to store number with fractional part real numbers. Float में आप fractional part या real number को store कर सकते हैं. The following table gives possible numeric data types used in different DBMS. Data type integer float. Access में number data type support होता है और number single data type support होता है. SQL Server में int, float real, Oracle में number, integer and number. MySQL में int, integer, numeric, float decimal numeric. PostgreSQL में int, integer और numeric data types होते हैं. Date is used to store valid data values which is ranging from January 1, 4712 BC to December 31, 9999 AD. The date format are year, month, date, date, month, year, year, month, date, year, date, month, year. Format, date.